को संबोधित करने वाले हैं। ये रैली रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी और इस रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद संबोधित करेंगे। वहीं इस रैली में शाह निषाद समाज की मांगों से जुड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ है और ऐसा माना जाता है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में 4% मतदाता निषाद समाज के हैं और कुछ सीटों पर निषाद समाज निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। तो बीजेपी की बड़ी रैली होने जा रही है, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ इस जनसभा को संबोधित करेंगे और निषाद समाज को साधने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है पुरजोर मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। उसी कड़ी में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो भी कामकाज है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जितने भी इन 5 सालों में काम किए हैं बीजेपी सरकार ने, उनके लाभ जनता को मिला है या नहीं मिला है ये जानने की कोशिश होगी। साथ ही साथ जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे, इस रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बड़ी रैली ये होने जा रही है। लाखों की संख्या में लोग मौजूद रह सकते हैं, समर्थक मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा जो निषाद समाज है उसको साधने की कोशिश होगी ताकि जो एक कोर वोट बैंक है निषाद समाज का वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में पड़ता हुआ नजर आए। तो एक बड़ी रैली होने जा रही है बीजेपी की, इस रैली को लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं और अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। जनता के बीच पहुंच बनाने की एक बार फिर से कोशिश हो रही है। हालांकि पिछले 5 सालों में बीजेपी का दावा है कि जनता के बीच वो पहुंचे हैं, गांव गांव घर घर तक पहुंचे हैं, तमाम योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया है और कितना पहुंचा है कितना नहीं पहुंचा इसको लेकर टीमें भी बनाई गई हैं, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, कौन कौन से गांव में कितना लाभ पहुंचा है ये तमाम जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रूबी सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गई हैं। रूबी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बीजेपी एक बड़ी रैली होने जा रही है, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ इस रैली को संबोधित कर सकते हैं। रूबी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल रूबी, एक बड़ी रैली होने जा रही है बीजेपी की, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिलकर इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, कितनी अहम ये रैली? काजोल, देखिए अभी तक बीजेपी कह सकते हैं रैलियां हुई है वो खास तौर से चुनावी और लखनऊ में खास तौर से रैली हो रही है, उसमें अमित शाह का पहुंचने का जो सूचना है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनावी जरूर माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी अगर कहीं भी अमित शाह पहुंचे हैं वहां पे भी 22 को लेकर ही बातचीत करी है। अब ऐसे में योगी और अमित शाह दोनों जोड़ी जो मिलकर आज लखनऊ में अच्छी रैली मानी जा रही है, बड़ी रैली मानी जा रही है, उसको वो संबोधित करेंगे। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि खासतौर से जब अमित शाह का स्पीच स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं इस बात का जरूर एक कयास लगाया जा रहा है कि 2022 को लेकर जो जनता इकट्ठा होगी उसके लिए फिर से कहीं ना कहीं शिकुफा जरूर होगा, यानी कि कोई वादा जरूर किया जाएगा खासतौर से। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो तमाम बड़े चेहरे हो, जेपी नड्डा हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, उनके जो चेहरे हैं उन पर कहीं ना कहीं से चुनाव पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे, अमित शाह इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, निषाद समाज को संबोधित करेंगे। निषाद समाज और बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से ही जो गठबंधन है वो इनमें तय है, अब इस गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करने की कवायदें तेज हो रही हैं, कितना असर पड़ेगा? कहो, देखिए जब चुनाव शुरुआत होती है ना कहीं ये जरूर देखा जाता है जो छोटे छोटे से जो दल होते हैं उनको पहले दफ्तर में जोड़ लिया जाता है, क्योंकि अब निषाद पार्टी हो या फिर ये बोल सकते बीजेपी पार्टी हो एक मंच पे जरूर खड़े होंगे, लेकिन जो मुद्दे होंगे निश्चित तौर पे जनता को उन मुद्दों के लिए उकसाया जा सकता है, या ये कह सकते हैं जनता को एक लॉलीपॉप इसी बात को लेकर पकड़ाया जाएगा कि 22 के चुनाव में अब बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति रहेगी। यानी कि कुल मिला के अमित शाह जो बड़ा चेहरा है और
योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक जगह पे, हर एक जिले में जब भी उन्होंने दौरा किया है, तो एक ही बात साफ नजर आई है कि जनता को उन पुराने योजनाओं के बारे में गिनाया है और फिर एक बार दोबारा जो विकास है उसके बाद उन्होंने रामलल्ला की गिनती जरूर गिनाई है और अब जो गिनती गिनाई जाती है वो है काशी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का भी अब जनता के लिए एक नया पैगाम जरूर हो सकता है, खासतौर से अगर हम इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर 2022 का चुनाव को लेकर, तो अमित शाह चेहरा हो या फिर कह सकते जेपी नड्डा चेहरा हो, बीजेपी को मौका ही इसी बात का रहता है कि तमाम बड़े चेहरे एक साथ लाए, एक मंच पे लाए, ताकि समय के अनुकूल बिल्कुल भी ना चला जाए। हाँ, समय जरूर उसके लिए यहाँ सभी उसका मानना है कि अभी जनता के बीच में हमारी जो बातें हैं वो लगभग पहुंच चुकी हैं, क्योंकि जो इसकी कमेटी है पूरी तरीके से जो जनता के साथ जुड़ी भी है और कहीं ना कहीं अब मौका है एक बड़े बड़े नेताओं को उस तक पहुंचने का। तो अब रैली हो या जनसभा हो या ये कह सकते हैं बैठकें हो, इन माध्यम के जरिए वो अपनी बातों को अब रख रही है। बिल्कुल रूबी, निषाद समाज को जिस तरह से साधने की कोशिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाहे वो छोटे दल हो, चाहे वो एक तबका ही क्यों ना हो, बहुत छोटा सा तबका, निषाद समाज इतनी बहुत संख्या में नहीं हो उत्तर प्रदेश में, एक आंकड़ा जो है वो भी बहुत कम है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। देखिए काजोल, निषाद पार्टी पहले से एक छोटी पार्टी जरूर मानी जा रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इन्होंने पैर पसारना शुरू कर दिया। जब से बीजेपी से इनकी गठबंधन हुआ उसके बाद से लगातार इसी बात को लेकर निषाद पार्टी बीजेपी के ही सारे जो वादे हैं, जो काम है, जो योजनाएं हैं, उन्हीं को ही गिनाते नजर आए। पहले भी निषाद पार्टी की तरफ से ये बयान आया था कि अब साथ में मिलकर काम करना है, यानी कि विकास का बात करना है, योजनाएं के आधार पे काम करना है। तो छोटी दल के जरिए भले ही अपने कंधे पे सवार करा के बीजेपी अब अपने मंसूबों को अंजाम जरूर देगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब ऐसे में रैलियां हो लेकिन उन सभी जगहों पे जो बीजेपी का चेहरा होगा उन्हीं को ही आगे किया जाएगा। भले ही छोटे दलों का समागम हो चुका हो लेकिन जो चेहरे होंगे वो बीजेपी के बड़े ही चेहरे होंगे। बिल्कुल रूबी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी रैली बीजेपी की तरफ से की जानी है और जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ निषाद समाज को साधने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जाएगी।